हेलो प्यारे साथियों, आप लोगों में से डियर कई सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर बिहार पॉलिटेक्निक हम कर लिए, ठीक है, और SVT का एग्ज़ाम्स भी हमारा, ऑल सेमेस्टर्स का जो है एग्ज़ाम्स हमारा हो चुका है, ठीक है, तो उसके बाद हम कैसे पता करेंगे कि हमारा कितना परसेंट आया है। सर आप इस पे एक वीडियो बना दीजिए ताकि हम अपना मार्क्स को, अभी फिफ्थ सेमेस्टर में है, सिक्स सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उसमें हम कितना मार्क्स लाएंगे कि हमें जो रिक्वायरमेंट मार्क्स है वो हमारा आ सके। एक बार आप हमें गाइड कर दीजिए कि किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो आप लोगों को बतला दूं, वही कमेंट किन्होंने किया था, चलिए वो नाम भी उनका बतला देता हूँ कि किसने जो है कमेंट किया था किन्होंने, और उन्होंने एक अच्छा सवाल पूछा और ये सवाल मुझे अच्छा लगा, इसलिए जो है मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे एक वीडियो उनको दे ही दिया जाए ताकि उनकी जो प्रॉब्लम थी वो दूर हो सके। ये कोई अमृत राज थे, है ना, कोई अमृत राज थे, हमने वीडियो बनाई थी फर्स्ट सेमेस्टर से सिक्स सेमेस्टर के जितने भी सेमेस्टर है उसका रिजल्ट आया था उस पे लेकर। तो अमृत राज ने कमेंट किया है कि सर आप एक बार ये बतला दीजिए कि ऑल सेमेस्टर का परसेंटेज हम कैसे प्राप्त करेंगे, इस पर एक प्लीज सर एक वीडियो बना दीजिए, ये इनका कमेंट था। तो चलिए उन कमेंट को मद्देनजर रखते हुए हम लोग उसके ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है, जब आपका सिक्स सेमेस्टर्स, ठीक है, जब सिक्स सेमेस्टर्स आप एग्ज़ाम दे देंगे तो सिक्स सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम्स में आपका जो मार्क्स आएगा, जो मार्क्स रहेगा वो तो लिखा ही रहेगा कि आप 750 में इतना मार्क्स कैरी किए हैं, लेकिन जो टोटल मार्क्स है वो लिखा हुआ रहेगा 2250। क्या लिखा रहेगा? 2250 मार्क्स आपको लिखा हुआ रहेगा। और सर ये 2250 मार्क्स अगर लिखा हुआ रहेगा तो ये आखिर कैलकुलेट हम लोग कैसे करेंगे? हमारा तो सिक्स सेमेस्टर में मात्र 750 में से कितना, ज़्यादा से ज़्यादा 600 या 650 तक ही ला सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 700 तक आ सकती है, लेकिन 2250 फिर क्यों? तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम आपको लिए लेकर आए हैं। तो देखिए क्या करना है, थोड़ा इसको और छोटा कर लेते हैं, है ना, ताकि लिखने में यहाँ पे हमें सुविधा हो। तो देखिए क्या करना है आपको, फर्स्ट सेमेस्टर से फर्स्ट टू फिफ्थ, ठीक है, फर्स्ट टू फिफ्थ जितने भी आपने मार्क्स कंटेन किए हैं, ठीक है, आपने जितना भी मार्क्स कंटेन किया है, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में मान लो कि 550 मार्क्स आया, सेकेंड सेमेस्टर में 500 मार्क्स आया, फिर थर्ड सेमेस्टर में 570 मार्क्स आया, फिर फोर्थ सेमेस्टर में आपका 580 मार्क्स आया, और फिफ्थ सेमेस्टर में आपका मान लेते हैं 600 मार्क्स आ गया, है ना, ये 600 मार्क्स आपका आ गया। अब इसका क्या करना है, इन सभी का, इस सभी का जितना भी है इन सभी को ऐड करने के बाद जो भी आपका वैल्यू आएगा, है ना, जो भी वैल्यू आएगा उसका 40% निकाल देंगे। क्या करेंगे? 40% निकाल देंगे। तो चलिए इसको कैलकुलेट भी हम लोग एक बार कर लेते हैं। तो हमारा सभी लास्ट में जीरो है तो ये हमारा जीरो हो जाएगा, एंड 8, 7, 15 और 5, 20, तो फिर से ये जीरो हो जाएगा, लेकिन हाथ में दो रहेगा, तो 6, 2, 8, 8, 5, 13, 13, 5, 18, 18 और 10, 28, ठीक है, यहाँ पे कितना है हमारा 2800 आ गया। अब 2800 का 40% निकालना है, तो 40% निकालना है तो इस तरीके से कर लेंगे, तो ये जीरो से जीरो हमारा जो है यहाँ पे चला जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा जीरो, क्या जाएगा जीरो, और 8 चौके 32, 2 एंड 4 दुनिया 8, 3, 11, क्या गया 11 आ गया, है ना, ये 11 हमारा आ गया, यही आएगा ना,
40%। अट्ठाईस सौ का चालीस, हाँ 1100 ही आएगा क्योंकि 1400 तो इसका हाफ हो जाएगा। तो ये तो आपका आ गया फर्स्ट लेकर फिफ्थ तक, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, सिक्स्थ सेमेस्टर का, सिक्स्थ सेमेस्टर्स का जितना भी आपका मार्क्स है ना। सिक्स सेमेस्टर में सपोज डैट आपने कैरी किया, यहाँ पे पेन चेंज कर लेते हैं, आपने सपोज डैट कैरी किया 680 मार्क्स, कितना 680 मार्क्स आपने सिक्स सेमेस्टर में कैरी किया। तो जब आपने सिक्स सेमेस्टर में इतना कैरी किया, चलिए एक नया पेज हम ओपन कर लेते हैं ताकि लिखने में थोड़ी सुविधा हो, है ना। चलिए तो न्यू पेज पे हम लोग आ गए हैं। तो हमने क्या बतलाया आपको कि आपने सिक्स सेमेस्टर्स में कितना किया, 680, और हमारा आ कितना रहा था, तो 1120 आ रहा था, है ना। 1120 हमारा आ रहा था और 680 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 0 और 6, 8, 2, 10 के 0 एंड 7, 1, 8 6, 1, 7, 7, 1, 8 एंड 1, यानी 1800 यहाँ पे आ जाएगा। अब हमारा टोटल कितना है, तो टोटल है हमारा 2250। टोटल आपका कितना होता है, 2250 मार्क्स का। तो जब 2250 में 1800 का परसेंटेज निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 1800 को डिवाइड करेंगे, 2250 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा इनटू 100। तो इसका जब कैलकुलेशंस करेंगे तो ये 0 से 0 हमारा चला गया, ये 22 5 है यानी 225, तो ये आपका कटकर आ जाएगा कितना, 105 आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 2, है ना। तो इसको और फिर ये हमारा कटेगा 21 से, कितना से कटेगा, 21 से कटेगा और ये हमारा 5 से कटेगा तो ये आ जाएगा 3 और फिर 0 तो 6 और फिर 0, फिर ये हमारा कटेगा। तो लगभग यहाँ पे अगर अप्रोक्स परसेंटेज की बात किया जाए तो अप्रोक्स आपका लगभग 80% के आसपास, अबाउट यहाँ पे लिख देते हैं अबाउट, ठीक है, लगभग 80% के आसपास जो है आपका ये आएगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 और पेन चेंज कर लेते हैं, ये 0 और 2 एंड 3 6, यानी 620 को अगर 21 से भागा दें, है ना, 21 से भागा देंगे तो लगभग कितना आ जाएगा, लगभग आ जाएगा आपका 21 दहियों कितना आ जाएगा, यहाँ पे 21 63 आता है। तो मतलब इस तरह से आप करेंगे तो अप्रॉक्स आपका 80% के आसपास आएगा, ठीक है ना, कितना आएगा 80% के आसपास आएगा। इस तरीके से आपको कैलकुलेट कर लेनी है, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर का प्रयोग करके भी यूज कर लेते हैं, लाइए आपको कैलकुलेटर का प्रयोग कर ही लेते हैं, थोड़ा वेट कीजिएगा। चलिए तो कैलकुलेटर लेकर आ गए हैं और यहाँ पे निकालना कितना का है, हमें निकालना है यहाँ पे 1800 डिवाइडेड बाय 2250 और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे गुने 0.8, वही अप्रॉक्स 80% के आपका आसपास आएगा, ठीक है। अप्रॉक्स कितना आएगा, 80% के आसपास आएगा, यानी ये जब कटेगा, है ना, इसका जब वैल्यू आप काटेंगे
तो लगभग 80 आएगा, ठीक है। तो यानी 80% आपका जो है ये आ गया। तो डियर इसी तरीके से जो है आपको कैलकुलेट करनी है। क्या एक बार फिर से ध्यान देंगे, फर्स्ट सेमेस्टर से फिफ्थ सेमेस्टर तक, ठीक है, फर्स्ट टू फिफ्थ सेमेस्टर तक का समेशंस का 40%, जितना भी आपका सम करने के बाद आएगा उसका 40%, और सिक्स्थ सेमेस्टर्स का ऑल, ठीक है। सिक्स सेमेस्टर्स में आपने जितना भी प्राप्त किया है वो दोनों को ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद जो भी आएगा है ना, तो फर्स्ट टू सिक्स्थ का जो भी समेशंस करने के बाद आया वो डिवाइडेड बाई 2250 एंड गुणे 100, है ना। ये तरीका होता है आपका परसेंटेज निकालने का। तो इस तरीके से जो है आप अपना परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं आप अपने एग्जाम्स का, ठीक है। तो ऑल सेमेस्टर्स का परसेंटेज कैसे निकलेगा इस पे हमने आपको समझा दी। आई थिंक कि अब कोई डाउट आपका नहीं होना चाहिए। अगर आप बिहार के कैंडिडेट हैं तो ही आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिहार के स्टूडेंट हैं और बिहार पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो, है ना, बिहार के स्टूडेंट हैं और बिहार पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो ही ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज और अलग अलग एग्जामों का अलग अलग परसेंटेज टाइप निकलता है। आई थिंक कि ये जो डाउट्स थे आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा, और जो अमृत राज हैं उनका भी डाउट क्लियर हो चुका होगा, और उनके अलावा और भी किन्हीं का डाउट हो तो वो भी क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू, और इसी तरह का आप लोग कमेंट करते रहें कि और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किस तरीके का, ताकि उस पे आपको हेल्प किया जा सके। सो थैंक यू।